श्वेता ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसके कारण मैं भी लाइव आया हूँ क्योंकि आई हैव हैड इनफ। बहुत हो गया झूठ सहते, बहुत हो गया हमेशा गलत बातें सहते। नाउ आई वांट टू कम एंड आंसर पॉइंट वाइज जो इसने बोली है बातें। श्वेता बोलती है कि उसने मुझे कॉल किया था और मुझे बताया था कि बच्चा बड़ा ठीक है, उसकी फैमिली के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगा श्वेता को कि इनफ ऑफ लाइंग। श्वेता इतना ही, अगर कॉल किया था तो ज़रा कॉल रिकॉर्ड दिखाना, क्योंकि मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स हैं। जब तुमने मुझे मैसेज करके मांगी थी कंसेंट, मैं रिप्लाई किया था कि बच्चा मेरे साथ रहेगा। यहाँ पे कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं घुट घुट के, और अब थर्ड वेव में बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। ऐसे टाइम पे तुम सब छोड़ छाड़ के चली गई हो, क्योंकि तुमको बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है। बहुत कमी हो गई है तुमको कि पैंडेमिक में भी और इसमें भी तुम्हें पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और तुम्हें बच्चा छोड़ के ही जाना पड़ा। और अगर छोड़ के ही गई थी तो मेरे पास क्यों नहीं छोड़ा? पिछली बार जब उसको कोविड था तो मैंने उसका ख्याल रखा था, उसको कोविड से ठीक किया था। अभी तो वो, अब तुमने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो किसी और लोकेशन पर है, जो मैं कल बोल रहा था। जो तुम्हारे जो ट्रोलर्स, जो तुम्हारे पीआर हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, वो कैसे होटल पे छोड़ सकती है। अब तुम्हारे जो ट्रोलर्स हैं, जो पीआर हैं, उनको सबको समझा दो कि हाँ, किसी होटल में ही छोड़ कर गई हुई हो, छुपा के मुझसे, दूर रख के मुझसे। जब मैं जिंदा हूँ, मैं उसका नेचुरल गार्डियन हूँ, तो नानी और बहन का कहाँ, वो क्यों रखेंगे? और कहाँ रखा है? घर पे भी नहीं। तुमने सिर्फ इलीगली डिटेन नहीं किया है लड़के को, तुमने उसको एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे भी डिटेन किया हुआ है। एंड माइंड यू, लॉ इज स्लो बट लॉ इज नॉट अ जोक। यू कांट टेक लॉ फॉर अ राइड। लॉ इज नॉट फॉर अ जॉय राइड, श्वेता। एंड यू कांट कीप ऑलवेज टेलिंग लाइज। एंड आई हैव हैड इनफ। फॉर एवरी लाई ऑफ योर्स आई विल कम एन आंसर। लास्ट नाइट I've gone to 10 hotels last night to search for my child. You had informed me. Why would I run from hotel to hotel? Why would I call child helpline? Why am I registering an FIR right now with Samtanagar police station against you for neglect under the Juvenile Justice Act, Section 75 and Section 82? You have just abandoned the child and left him and gone away. Not even bothered to let him be with me. Why? Why? And you think you'll just come up and just tell a lie that you have left the child in some hotel and this and that? You know what, Shweta? Enough is enough now. I have also had enough now. This is too much. मेरा बच्चा कोई फेंका हुआ नहीं है जिसको तुम बस छोड़ के चली गई हो कहीं पे, and he is just कहीं पे रुल रहा है इस पैंडेमिक में, वो भी। This is not right. He is not at his home. He is somewhere else. You have left him and gone. Really? And then you are giving an interview. I had informed him. पेश करो, लेकर आओ कॉल रिकॉर्ड्स। तुम तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तुमने तो मेरे को ब्लॉक किया हुआ है। यू हैव ब्लॉक्ड मी इन योर व्हाट्सएप। मेरे पास, और मेरे पास तो एविडेंस आफ्टर एविडेंस है, विच जो मैं कोर्ट में भी पेश करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, और मैं मीडिया में भी किया है। और तुम जितना बोलो मैं उतना ले आऊँगा, श्वेता। Enough of these lies. You have just abandoned the son in an undisclosed location. I even now say and I request you, Shweta, कि baby को मेरे हवाले कर दो. Let him be with me. I am his natural guardian. I am his father. This is not right. What you are doing is not right. And I know this, Shweta. It might take me time. Tuesday might be my hearing with High Court, which I am getting, or a day after. But I will get a date. You can hide my son for a long time. You can keep him away, but don't worry. I will get a date, and I will come out with it, and I will make sure that my child will never, ever in the future suffer like this that he's suffering today. And you talk about तुमने हाई कोर्ट के ऑर्डर से तुम मुझसे बात कराती हो, तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने एफिडेविट फाइल किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट अंडरस्टैंड तुम चली भी कैसे गई। तुम्हारा एंटिसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन अभी भी चल रही है कोर्ट में, और तुम छोड़ छाड़ के चली गई। हीबस कॉर्पस का पिटिशन चल रहा है। इट्स फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। सो ये सारे तुम्हारे पे केसेस पेंडिंग है एंड इंटरेस्टिंग 467 का सेक्शन लगा है तुम पे 14 साल की है लाइफ टर्म. यू हैव फोर्ज्ड माय सिग्नेचर अर्लियर ऑल्सो वंस एंड द मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर्ड फॉर द एफ आई आर मैंने नहीं कराया, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कराया है. वॉट आर यू टॉकिंग? तुम्हारे पी आर ने हमेशा मेरे बारे में इतनी गंदगी फैलाई हुई है. क्या आई हैव डन रॉन्ग थिंग्स? आई हैव डन रॉन्ग थिंग्स? You have just lost it this time by leaving my son and abandoning him like this. But this is it, Shweta. Enough is enough now. No more of your lies, no more of your trollers, no more of your peer drama, no more of any of your support, of your political support, your police support, nothing doing. Nothing doing. I will fight. And you can only win against me by killing me now, Shweta. That's it. There's no other way. I have had enough. You say you made me talk to the child. Contempt I have filed against you. That you're not letting me make me talk to the child. You told in the court that you will make me talk to the child for how long he wants. You have made sure. I've got hundreds of videos in which you're yourself saying that cut the call now, bye bye kar do and all that. Even now it is happening. 12 minutes, 1 minute the child is talking to me. You talk about you talked to me and you spoke to me and you told me where the child is? Really? And as such, why is the child with Yamini and your mother and Palak? They have not been infected by COVID in the, even in the first wave. पहली wave में भी COVID से नहीं infect हुए हैं. वो तो ज़्यादा susceptible हैं. बच्चा safe मेरे साथ है. So lies will not win. You should know this. They never will. इंटरव्यू के लास्ट सेंटेंस के बारे में तो मैं बात करना भूल ही गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुमने बोला कि मैंने एक पेनी नहीं खर्चा किया है बच्चों की परवरिश के लिए. तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? जब मैं अर्जुन बिजलानी के साथ जो तुम्हारे साथ है वहाँ पे शो कर रहा था और उसके बाद मैं बालाजी के 2 शो कर रहा था तो और ये अभी 2000 बहुत दूर भी नहीं, ये तो अभी की बात है. 40-40% मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है. पैसा हजम भी कर लेती हो और तुम फिर ये बोलती हो कि मैं पैसे भी नहीं खर्चा कर रहा और तुम अकेले पैसे खर्चा कर रही हो. यू नो व्हाट, ऑलरेडी तुम बहुत गिर गई थी, तुम बस गिरती ही जा रही हो.